मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शाही फैमिली में आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे और अभी बज चुके हैं 7:30। बच्चे अभी भी सोए हैं, तो जब वो उठ जाएंगे उनके हिसाब से मैं ब्रेकफास्ट बना दूंगी। तो कल जो थर्सडे था, जैसे कि मिस्टर मुल्ला नहीं है अभी, वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, तो मोस्टली रात की क्लीनिंग मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि शाहिरा जो है उसको पर्सनल अटेंशन देना होता है कंपलसरी। तो जब मिस्टर मुल्ला होते हैं वो उसके साथ होते हैं और मैं घर के काम निपटाती हूँ। तो अभी जैसे कि वो नहीं है तो शाहिरा के साथ मुझे ही रहना है और कम्प्लीटली उसी के साथ मुझे अपना टाइम बिताना है। तो वो मुझे कोई काम नहीं करने देती है, इवन क्लीनिंग भी नहीं। अगर मैं क्लीनिंग करने जाऊँ तो फिर उसको भी करना होता है। और रात के समय ठंडे पानी में अगर वो भी आ जाएगी वहाँ पे तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बस यही सोचकर मैंने रात के जो बर्तन थे वो नहीं किए हैं, बस ऐसे ही रख दिया है। तो वो मैं अभी कर लूँगी और बाकी सारा जो है क्लीनिंग, तो घर क्लीन ही है क्योंकि बच्चे दोनों नहीं हैं घर पर, तो इतना अनटाइडी नहीं हो पाया है। तो आज मैं बस सिंपल ऑर्गेनाइजिंग करूँगी, सारी चीज़ें जो है जगह पर रख दूँगी और जो है क्लीन अप कर लूँगी। मैंने बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए डोसा बना लिया था, रेडीमेड डोसा बैटर मेरे पास अवेलेबल था तो जो कन्वीनियंट था बस वही मैंने बना लिया है। और साथ ही साथ बना लिया था एप्पल स्मूदी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे इंजॉय कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, शायरा की मस्ती चल रही है। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैंने प्लान कर लिया था क्लीनिंग और मुझे स्टोर रूम भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना था, काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था ये काम। तो बस उसी को क्लीन कर लिया है और कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये काम जो है कम्प्लीट हो चुका है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ही सेकेंड्स में या कुछ ही मिनटों में ये काम हुआ है, पर मुझे करीब 2 घंटे लग गए इसको सेट करने में। सो ब्रेक टाइम फॉर मी, तो इंजॉय करूँगी मैं अपनी चाय और साथ ही साथ शाहिरा के लिए कुछ फ्रूट्स। तो ये जो ब्रेक टाइम्स होते हैं मेरे लिए बहुत ही रिलैक्सिंग टाइम होता है और इंजॉयबल टाइम होता है। तो बस शाहिरा भी इंजॉय कर रही है। तो यहाँ जो है मैं सेट कर रही हूँ शाहिरा का बेड और साथ ही साथ मुझे चेंज करना था शीट, तो बस वही काम चल रहा है। लंच प्रिपरेशन, तो राइस जो है मेरे पास बने हुए थे तो अयान के लिए मैं बना रही थी फ्राइड राइस। तो यहाँ पतीले में मैंने डाल दिया है तेल, तेल गरम होते ही मैंने ऐड कर दिया था ऑनियन और फिर उसमें ऐड कर लिया है लेंथ वाइज कट की हुई कैबेज और शिमला मिर्च और फिर अब ऐड कर दिया है उसमें टमाटर और उसको मैं सौटे कर लूँगी। अब इसमें ऐड किया है करीब 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच डार्क सोया सॉस और उसमें ऐड कर रही हूँ मैं सोयाबीन जो ऑलरेडी बॉईल कर लिया था मैंने नमक के पानी में और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ नूडल्स मसाला, एक्चुअली फ्राइड मसाला ऐड करना था
पर मुझे ये मिल गया तो मैंने यही डाल दिया। तो आप डाल सकते हो, टेस्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इट रियली टेस्ट गुड। आप ऐसे भी इसको एंजॉय कर सकते हो चाहो तो, या फिर उसमें राइस डाल के फ्राइड राइस भी बना ले सकते हो। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ राइस और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद उसको ढककर अच्छे से 2 से 3 मिनट तक के पका लें। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं फ्राइड राइस मेरा डन है। नाउ इट्स रेडी टू सर्व एंड एंजॉय। तो यहाँ आप देख सकते हैं शाहिरा जो है आयान की मालिश कर रही है। आयान के पीठ में दर्द था तो बस वो उसी की हेल्प कर रही है। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन हिट करना न भूलें। मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। See you in the next video. Stay happy. Bye-bye. और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना न भूलें। Stay happy.